मेला हो और गुब्बारे ना हो मजा ही नहीं आता। तो दोस्तों देख सकते हैं बैलून और गुड़िया। तो हेलो इंटरनेट, तो मैं आ चुका हूँ नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज मैं जा रहा हूँ मेले की ओर और आज कार्तिक पूर्णिमा है, तो आज बासुकी नाग में मेला रहता है। जैसे कि मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा कहाँ रहता है और कैसा उधर क्या है, सब कुछ दिखाऊंगा। तो बने रहे मेरी ब्लॉग के साथ। ये है ममता जुगु तो गुट बटा रखा है। मंदिर की ओर जा रहे हैं, फिर हम आज जुगुत बटा के चलते हैं। तो दोस्तों हम जा रहे हैं बासुकी नाग मंदिर है, पाएँ चोली के नीचे है, धर्मगढ़ से नीचे पे पड़ता है। तो हम जा रहे हैं स्कूटी में जा रहे हैं धर्मगढ़ तक, वहाँ से फिर पैदल यात्रा रहेगी, आपको भी ले जाएंगे, ठीक है, टेंशन मत लेना। तो दोस्तों चलते हैं आगे की ओर और ऐसा ही सुहाना सफर रोज ही मिलता तो क्या ही होता। तो दोस्तों देख सकते हैं ये ऊपर वाली रोड है बास स्टेशन गार्ड की ओर जाती है और ये नीचे धर्मगढ़ की ओर जाती है। दोस्तों 2 hours later तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं धर्मगढ़, जो देख सकते हैं बहुत ही सुंदर और बहुत ही मनभावक नज़ारा दिख रहा है आपको। हिमालय की चोटियां दिख रही है और देखते हैं आगे को धर्मगढ़ की वादियों में घूमेंगे आज। धर्मगढ़ देख सकते हैं बहुत ही फेमस एरिया है धर्मगढ़। तो देख सकते हैं कुछ ऐसा बाजार है, यहाँ छोटा सा बाजार है, चलते हैं पूरे बाजार घुमाते हैं आपको हम। तो दोस्तों देख सकते हैं कुछ ऐसा नज़ारा है धर्मगढ़ का और यहाँ इतनी दुकानें हैं देख सकते हैं। तो दोस्तों हम जा रहे हैं अब धर्मगढ़ से, चोली का रास्ता है, चोली का रास्ता पड़ता है और ये सीधा रास्ता पड़ता है, सीधे रोड को जाता है, उसके बाद एक और रास्ता पड़ता है, नीचे जाना पड़ता है, वहाँ है बासुकी नाग का। और हम जा रहे हैं अभी पैदल यात्रा जा रहे हैं, आगे से भी लोग जा रहे हैं, पीछे से भी आ रहे हैं और इस बार भीड़ भी बहुत है, देखते हैं वो चलते हैं। पहला क्या मूर्ति पे गयो, मूर्ति मूर्ति क्या बे हो, मूर्ति क्या बे ले हो, ये ले यो वाहन आ गयो, वाहन, अच्छा वासुकी नाग वाहन, वाहन में, हाँ। अच्छा वाहन में पहले बड़ी अब यो ये शिला जो झुलू तो हुआ हो, हाँ हाँ शिला का वाहन हुए वहीं पर शिला बन गई, अच्छा पर जो लिंग पर कर गए ना, हाँ हाँ शिव जी जी के हाँ लिंग पर कर, हाँ वैसा ही है जो, अच्छा टाइम सेवा करते हैं मंदिर में, सिमगड़ी खाए हैं पीठा लगाए थे तुम। क्या करेंगे, enjoy. तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं नीचे रोड जो पाखू जाती है और यहाँ पर हनुमान मंदिर है। खुलना ना दिन खुले, खुलना ही नहीं है, 100 रुपए का नोट है, मिल उन्हें भाया जाए, मिल उन्हें युवा मिल गया, मिल गया बट्टे में पूर्ण मम कोटे आम पत्ते की खोलियो ले रहा हूँ कहने ला रही हूँ बोल। हम मेले के काफ़ी नज़दीक पहुंच चुके हैं और देखते हैं सीधा मेले में। तो दोस्तों हम मेले में पहुंच चुके हैं और कुछ ऐसा नज़ारा है अभी मेले का, दिखाते हैं आगे वो क्या है कैसे है। तो
दोस्तों ये है बासुकीनाथ मंदिर का मेला और यहाँ देख सकते हैं आप क्या है कैसे है। मंदिर में भी दिखाएंगे आज, तो मंदिर के बारे में कुछ जानेंगे। देखते हैं यहाँ पर कार्यक्रम भी चल रहे हैं जो बहुत ही सुंदर नज़ारा दिख रहा है। आपने देख सकते हैं आप तो दोस्तों चलिए आज मैं आपको कराऊंगा बासुकीनाथ मंदिर के दर्शन। तो दोस्तों कुछ ऐसा नजारा है मंदिर का, सभी श्रद्धालु भक्त आ रहे हैं अपनी मनोकामनाएं लेके बासुकीनाथ मंदिर में। तो दोस्तों देख सकते हैं आप कितना सुंदर, कितना सुंदर और भव्य मंदिर है बासुकीनाथ मंदिर का। और तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आप अगर कोई भक्त पाठ करे तो उसकी भी सुविधा है। दोस्तों ये है झांझर, जैसे कि आप जानते ही हैं शुभ कार्य में मंदिरों में बजाए जाते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जैसे कि बासुकीनाथ की दिव्य धुनी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं एक कतार पुरुषों की है और एक कतार महिलाओं के लिए, क्योंकि सुविधा तो सबको चाहिए। अगर महिला और एक पुरुष हो जाते हैं तो का मुक्की के कारण किसी को हानि भी पहुंच सकती है। सभी श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं लेके इस मंदिर में आए हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं कुछ ऐसा नजारा है श्री वासुकीनाथ देवता की मंदिर की। यहाँ पे थोड़ा सा बोलना हो गया महिलाओं का और पुरुष का कि पुरुष की कतार छोटी है, फिर उनकी जल्दी बारी आ रही है। तो दोस्तों हम मेले में आ चुके हैं, देखते हैं क्या होता है। ये हमारे दोस्त रेखा होंगे, दोस्त हमारे बने हैं साथ आज आएंगे पूरा मेला। तो दोस्तों कुछ ऐसा नज़ारा है अभी मेले का और देख सकते हैं समय हो रहा है अभी 12:30 बज रहे हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं आप जैसे यहाँ पर ब्रेड पकौड़ा बन रहा है और जलेबियाँ आलू बहुत कुछ बन रहा है, समोसे बन रहे हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं कुछ ऐसा नज़ारा है अभी। तो दोस्तों यहाँ पर गेम चल रहा है, जो ये रिंग को बोतल में डालेगा उसको अच्छा इनाम मिलेगा। तो दोस्तों आओ जलेबियाँ खाते हैं गर्मा गर्म, और जलेबियों का प्राइस है 150 रुपये किलो, 150 रुपये।
मजा ही नहीं आता। तो दोस्तों देख सकते हैं बैलून और गुड़िया के बाल कहा जाता है जिसे, वो देख सकते हैं आप। रिकॉर्ड हो गया है सब। ये भाई लोग हैं हमारे भाई भी घूम विजय भाई राहुल भाई, इनको तो जानते ही हो तुमने वहां। आज हूँ मैं जो कुछ भी हो, उनका रिव्यू ऐसा मिला, आगे को बन जाए जो भी हमें मिले। हरिया भरिया खेती करा हर मुला पारा, छोड़ सा जो मैं सोच का टिके कोती को बहारा, कोती को बहारा। हरिया भरिया खेती फल मुला पारा, छोड़ सा जो मैं सोच का टिके कोती को बहारा, कोती को बहारा। भीड़ बहुत बढ़ चुकी है देख सकते हैं आप, जैसे कि आप देख रहे हो बस भीड़ भाड़ बहुत हो गई है, बहुत ज्यादा संख्या में यहाँ लोग और श्रद्धालु भक्त लोग आ रखे हैं। अपने आप अपने लिए बहुत ही शानदार घड़ी है, गुच्ची की घड़ी है ये, गुच्ची की घड़ी बहुत फेमस है। हमारे कम्मू भाई को पसंद आ गई बोल रहे हैं हमारे दीपू भाई, देख सकते हैं आप। दो घड़ियों आप हम घर जा रहे हैं, शाम का समय है, 3:14 हो रहे हैं। और तो दोस्तों हम मेले से अब घर को जा रहे हैं, ये हमारे गांव के साथ के सारे लोग हैं जो बहुत थक चुके हैं, थक गए हैं, बोल रहे हैं खाना ना खाते हैं, धर्म घर में सीधा चाउमीन खाएंगे, फिर आप सीधा वहीं पे मिलते हैं। अब मोमो और चाउमीन खाते हैं, सपना खिला रही आज पार्टी है, कुछ स्पेशल है, पता नहीं क्या स्पेशल है, बट
कुछ है है कुछ ना कुछ। चलते हैं सीधा होटल पे। आप ये है सपना जो किम चौमिन का रही है और ये हम लोग फिर भी बढ़िया है। तो आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे अपना सपोर्ट बनाए रखें।